Welcome to Uma Talks, and here I am with another episode of Fluent English Speaking. Okay, and I hope you all are enjoying and practicing as well. Okay, now I'm in pronunciation. Instead of saying episode, I can say part two of pronunciation. Okay, so the first one which we did, quite many words up till L we did, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, okay, whichever alphabets I could tell you, okay, that these particular alphabets have got some rules for silent speaking, okay, so I have shared it with you and hope you are enjoying learning English with me. Okay, but the responses, I'm still waiting for that. So do watch the videos, it's definitely going to be useful. Okay, sharing my experiences with you all, that much only I can say. So today, to the second portion, okay, I start with alphabet N. Okay, M is normally spoken. M is normally spoken. Now we'll do N today. So N when it is used after M. कोई भी वर्ड में अगर एन एम के बाद यूज होता है ओके तो वहां पे एम प्रोनाउंस होता है एन नहीं एन साइलेंट हो जाता है ठीक है तो वर्ड्स क्या है हमारे पास आई यूज अनदर कलर इंक तो वर्ड्स क्या है हमारे पास ऑटम ओके डैम हिम कॉलम एंड कंडेम तो ऑटम में हम ऑटमन नहीं बोलते ऑटमन नहीं एन इज साइलेंट ओवर हियर ठीक है यहां पे डैम ओके सो डैम तो डैम एन ए डैम ने डैम ओके हिम सो हिम ओके कॉलम कॉलम एन इज साइलेंट ओवर हियर एंड देन कम्स कंडेम कंडेम सो वेर एवर एम के बाद अगर एन आता है तो एन इज साइलेंट ओके सो दिस इज फॉर एन नेक्स्ट लेट अस मूव टू पी ओ अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रोनाउंस देयर इज नो सच रूल एज वेल सो पी अब पी में मैं कुछ अल्फाबेट्स कुछ वर्ड्स ही लिख के बताऊंगी यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत खास रूल नहीं मिला है तो रिसीप्ट हम बोलते हैं क्या रसीद रिसीप्ट रिसीप्ट नो रिसीट ओके पी साइलेंट ओवर हियर रिसीट साइकोलॉजी व्हेन पी इज यूज्ड ओवर हियर दिस पी इज साइलेंट साइकोलॉजी साइकोलॉजी रिसीट ओके देन कूप दिस इज कूप कूप नहीं बोलते कूप ओके देन अगेन इट इज कबोर्ड कबोर्ड नहीं कबर्ड ओके पी इज साइलेंट पी इज नॉट प्रोनाउंस कबर्ड ओके एंड दिस रास्पबेरी नहीं रास्पबेरी रास्पबेरी ओके सो रिसीट साइकोलॉजी कू कबोर्ड रास्पबेरी ओके एंड देन इट इज दिस पी एंड एच समटाइम्स व्हेन पी एंड एच आर देयर टुगेदर इट इज प्रोनाउंस्ड एज फॉ फॉ ओके सो टेलीफोन टेलीफोन दिस पी एच टुगेदर प्रोनाउंस्ड एज फॉ ओके एंड हियर ऑल्सो पैराग्राफ 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 फॉ Okay, so PH is pronounced as for over here that you have to take care. So this is P. So N, O is not there. P, again Q and R, sub, we come to S. Okay, so S, the words are this island, debris and isle. So here, how do we, Iceland nahi bolte, Island bhi nahi bolte. This is island. Okay, debris. Debris, S is silent. Okay? And this is I. S is not. Got it? It has to be written, but it is not pronounced. So, isle, debris, and island. So, this is S. Let's come to T. So, T, we have got the word. Okay? A very simple word. Listen. Listen, nahi. Listen. Okay? Then over here, castle. Ballet, ballet. Okay, it is ballet. Soften, soften. No, soften. T is silent over here. Christmas, T is silent over here. Christmas, okay. Whistle, whistle. T again silent over here.
अस्थमा भी से, अस्थमा हुआ है इनको. ओके, द पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा. नो, अस्थमा. ओके, अस्थमा. एंड देन इट कम्स व्हेन इट इज सीएच के पहले अगर टी यूज होता है, सो देन कैसे प्रोनाउंस करते हैं. ओके, इट इज कैच, कैच. ओके, सी ए सी एच, यहां पे भी टी साइलेंट है, सी एच के पहले अगर यूज होगा तो कैच, स्केच. ओके, स्टिच एंड वॉच. ओके, स्विच, स्विच, वॉच, स्केच, कैच, अस्मा, विसल, लिसन, कैसल, बैले, सॉफन, क्रिसमस. ओके, सो दिस इज टी. लेट्स गो टू यू. नाउ यू, गिटार. ओके, यू अगेन इज साइलेंट ओवर हियर. गिल्टी, यू इज साइलेंट ओवर हियर. टंग, यू साइलेंट ओवर हियर. ओके, गेस, यू इज साइलेंट. कलीग, कलीग यू, कलीग यू साइलेंट. ओके, सो वेरी फ्यू, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज यूज, बट फ्यू ऑफ द टाइम्स इट इज साइलेंट. वॉट एवर आई कुड गेट इट, आई हैव शेयर्ड इट विद यू. लेट्स गो टू लाइक वेन एवर इट इज यूज आफ्टर जी, यू कैन से वेन एवर यू इज यूज आफ्टर जी, जी के बाद, जैसे गिटार, गिल्टी, टंग, गेस, कली, जब भी जी के बाद यू यूज हुआ है तो यू साइलेंट है. ओके, लेट्स कम टू डब्ल्यू. डब्ल्यू वेन एवर इट इज यूज बिफोर आर, तो बिफोर आर में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, ये रॉन्ग. ओके, रॉन्ग, डब्ल्यू रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं बोलते, रॉन्ग बोलते हैं, तो यहां पे डब्ल्यू इज साइलेंट. रिस्ट, डब्ल्यू इज साइलेंट. एंड यहां डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच. ओके, जब भी एच से पहले है तो डब्ल्यू एच ओ, हु इट इज, डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू इज साइलेंट ओवर हियर. हुएवर, हुएवर, टू, डब्ल्यू इज साइलेंट. सोड, डब्ल्यू इज साइलेंट. आंसर, डब्ल्यू इज साइलेंट. गॉट इट चिल्ड्रन? ओके, डब्ल्यू बिफोर आर, तो दो वर्ड्स है हमारे पास बिफोर आर. आपको जो भी वर्ड्स मिले आप चेक करके लिखना, प्लीज राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स. आई डोंट गेट एनी कॉमेंट्स फ्रॉम यू. I feel like it's useless. I'm doing it. I got definitely request from people. आप लोगों ने request किया था कि ये शुरू कीजिए, लेकिन response वैसा नहीं मिल रहा है, तो थोड़े दिन के बाद मैं stop ही कर दूंगी इसको, कोई मतलब ही नहीं इसका, because we really have to work hard इस तरह के videos बनाने के लिए. ठीक है, तो ये before आर दो words है, wrong और wrist. आपको और words मिलते हैं पढ़ते वक्त, newspaper, कुछ भी, तो उसको लिखिए. ओके, कमेंट में भी कुछ लिखिए. हु, हुएवर, ये. ओके, यहां भी साइलेंट है. टू में डब्ल्यू साइलेंट है, सोर्ड में डब्ल्यू साइलेंट है, आंसर में डब्ल्यू साइलेंट है. तो ये हो गया डब्ल्यू. एंड नेक्स्ट वी कम टू वाई. वाई, प्रेयर, नॉर्मली प्रेयर बोलते हैं, प्रेयर. ओके, मेयर, 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 बट फॉर दीज टू वर्ड्स इट इज प्रोनाउंस्ड. ओके, वी हैव ब्रिटिश इंग्लिश एंड the other one also. Okay, अलग अलग pronunciations है सबके, states के. तो prayer and mayor, mayor, prayer. Okay, तो prayer, mayor, ये हुआ हमारा why. Z is normally pronounced very few words from there. So this was all. Let us go together once more. This is zotten, dam, him, column, contem. Okay, receipt, psychology, coup, कबोर्ड, रास्पबेरी. ओके, देन इट कम्स टेलीफोन, पैराग्राफ, आइलैंड, डेब्री एंड आई. देन वी कम टू टी, लिसन, कैसल, बैले, सॉफन, क्रिसमस. ओके, विसल, अस्मा, कैच, स्केच, स्टिच, वॉच. ओके, गिटार, गिल्टी, टंग, गेस, कलीग एंड डब्ल्यू, रॉन्ग, रिस्ट, हु, हुएवर, टू, सोड, आंसर एंड देन प्रे, मेयर.
ओके. सो विद दिस आई कंप्लीट ऑल द 26 अल्फाबेट्स. ओके. एंड आशा है कि आप लोग और भी वर्ड्स ढूंढते रहेंगे. जब भी पढ़ेंगे आपको जो भी वर्ड्स इससे रिलेटेड होगा ये रूल्स अपने दिमाग में बिठा लें, और जब भी इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं इसको कैसे प्रोनाउंस करना है और कोई भी प्रॉब्लम्स होता है डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, प्लीज राइट इट ओवर देयर. एंड अगेन, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और डू लाइक एंड शेयर इट. थैंक यू ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.